जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने पेपाल के रजिस्ट्रेशन को आसानी से करके आप अपने किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी भी बिजनेस के ऊपर अपने पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ सेलर। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी जानते होंगे या और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि पेपाल दो टाइप के आते हैं। पहला होता है पेपाल पर्सनल, जिससे सिर्फ आप पेपाल को पेमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी पेपाल अकाउंट पर अगर आपको पेमेंट करना है देन यू ओनली नीड पेपाल पर्सनल अकाउंट। और यदि आपको अपने बिजनेस के ऊपर पेपाल से पेमेंट लेना है, यानी आप रिसीव करना चाहते हो पेपाल से पेमेंट हो, तब आपको पेपाल पे बिजनेस अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इस रजिस्ट्रेशन में काफी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो तीन डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा और मैंने पहले की वीडियो में भी एक बार आपको बताया है कि पेपाल इंडिया में अभी कुछ हद तक बंद हो चुका है। पहले आपने देखा होगा कि पेपाल से पेमेंट हो जाती थी इंडिया में, पेपाल के सेलर जो थे इंडियन वो पेपाल से इंडिया के अंदर पेमेंट ले सकते थे, जिस पर अभी रोक लग गई है आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से। तो अब आप जैसे मान लो कि अगर आप इंटरनेशनल सेलर हो देन यू कैन यूज पेपाल एज योर बिजनेस अकाउंट, ताकि आप बाहरी लोगों से पेमेंट ले सको। ठीक है, यदि आपका बिजनेस इंडिया में बेस्ड है और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो भी इंडियंस हैं देन पेपाल आपके लिए नहीं है। पेपाल के अलावा आप रेजर पे के साथ, इंस्टा मोजो के साथ या फिर अन्य किसी भी टू चेक आउट हो गया इनके साथ आप जा सकते हैं। पेयू मनी भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है और फंक्शन उसके थोड़े लेंदी हैं, अच्छे नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पेपाल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको और क्या क्या उसका थ्रू आउट स्टेप्स होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपाल पे हूं तो मैं कंप्लीट आपको अपने ईमेल से नहीं दिखाऊंगा, एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा और आप उससे समझ जाओगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वहां दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से अपने साइनअप प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे और ये आपके सामने जो ब्राउज़र खुला है ये है क्रोम का इग्निटो ब्राउज़र। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेपाल अकाउंट है तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाने के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो उसके लिए मैंने इग्निटो का ब्राउज़र खोल रखा है। इग्निटो को आप आसानी से अपने यहाँ थ्री डॉट्स जो दिए होते हैं ब्राउज़र्स में, आप उसे क्लिक करके यहाँ पर जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। इट्स अनकैश्ड, यानी कि अनस्टोर्ड डाटा वाला ब्राउज़र होता है जिसमें कोई भी आपके कैशे स्टोर नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आकर यहाँ पे पेपाल को सर्च कर लेना है। ठीक है, पेपाल जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहली प्रोफाइल ही जो है, पहली वेबसाइट ही है जो पेपाल की खुलकर आ जाएगी। और जब ये प्रोफाइल खुल जाएगी तो आप देख सकते हैं पे विथ पेपाल सेफ है। ओके, सो इट्स फॉर इंडिया और इंडिया का ये लैंग्वेज है, सेफ है। सो ऑल राइट, नाउ अब देख लो कुछ इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो समझ लो पहले, या फिर आप उसे कह सकते हो कि सिक्योरिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं कि आखिर सिक्योर है या नहीं है, तो वो क्यों है ये देख लो। आप 180 डेज बायर प्रोटेक्शन पेपाल आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि सपोज़ करो यदि आप कुछ खरीदते हो या फिर कुछ बेचते हो। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कुछ ख़रीदा, इनकेस मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इन दैट केस मैं पेपाल को डिस्प्यूट भेज सकता हूँ कि भाई मेरे को जो प्रोडक्ट दिया गया है ये कंडीशन में अच्छा नहीं है और ये कुछ दिनों के बाद ही ख़राब हो गया। सो इन दैट केस पेपाल आइडेंटिफाई करता है कि किसकी गलती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो डिस्प्यूट का डिसीजन लेता है और फिर पेमेंट को रिफंड कर देता है या फिर आपको मना कर देता है कि भाई जो सेलर था उसने अपने सारे टर्म एंड कंडीशन को बताते हुए आपको आइटम दिया है। ठीक है, वन अकाउंट फॉर शॉपिंग वर्ल्ड वाइड, स्किप द लॉगिन, कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती है, वन टच आपकी जो होती है उसके थ्रू जस्ट पे कर देने का ऑप्शन आता है और आप पे कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन अप के बटन पे हम क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा ज्वाइन पेपल टुडे फॉर फ्री, और इंडिविजुअली आपको ज्वाइन करना है या फिर बिजनेस अकाउंट ज्वाइन करना है। सपोज करो यदि आपसे पे करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाओगे, यानी कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप इंडिविजुअल अकाउंट चूज़ करो, लेकिन यदि आपको पेमेंट एक्सेप्ट और सेंड दोनों करना है देन यू मस्ट एक्वायर बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
और इसे जब आप आगे प्रोसीड करोगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड एक नॉर्मल सी KYC यानी कि आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, देन यू आर एबल टू पे एनी वेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड हुएवर इज यूजिंग पेपाल। लेकिन बिजनेस अकाउंट में थोड़ा प्रोसेस अलग है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बिजनेस अकाउंट को सेटअप करके आपको दिखाएंगे आज कि आप बिजनेस अकाउंट को कैसे सेटअप करोगे। सो जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पूछता है, आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट। तो वाया इनवॉइसिंग करोगे या फिर मार्केट प्लेसेस पे करोगे या फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे करोगे? तो अभी हम पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ऑन सेलिंग वेबसाइट सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और एनुअल सेल्स वॉल्यूम कितना होने वाला है? तो भाई इससे ज़्यादा तो अभी नहीं होगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो, और अगर होता है तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली। अगर 5 मिलियन USD से एवव है आपका टर्नओवर तो आप इसे चूज़ कर सकते हो, और $250,000 तक के अंतर में हो तो भाई आप तो पहला वन वाला चूज़ कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट को प्रोसीड कर देना। एंड आफ्टर दैट एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपसे ईमेल और बाकी चीज़ों की डिटेल्स मांगी जाएगी। तो ईमेल्स मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने याहू का बना रखा है, ये आपके लिए मैंने खोल के रखा है याहू को। ठीक है, तो हम अपना ईमेल डाल लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा याहू का डेमो ईमेल मैंने अभी क्रिएट किया है। याद रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब डेमो है और इसका रियलिटी से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, पासवर्ड मैं कुछ भी रख लेता हूँ, अपर केस। ठीक है, पहला कैपिटल लेटर होगा आपका तो मैं वो करेक्शन कर लेता हूँ। हो गया, बिजनेस टाइप पूछ रहा है भाई आपके पास अब कौन सा बिजनेस है, इंडिविजुअल हो, सोल ट्रेडर हो, कॉरपोरेट हो, कॉरपोरेशन हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर गवर्नमेंट एंटिटी हो। तो भाई इसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए वेरीफाई कराने के लिए अकाउंट को। तो आप पहले, मैं इंडिविजुअल के रूप में मान लेता हूँ खुद को कि आप इंडिविजुअल हो। ठीक है, और यदि कुछ और हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। प्रोडक्ट का कीवर्ड मैं क्या मानूँ? तो चलो मैं IT सर्विसेज मान लेता हूँ। प्रोडक्ट की सर्विसेज कोड में सबसे बेटर तो मैं ये मानता हूँ कि आप जो हो वो अपना रख लेना, और यदि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप ट्रैवल को डाल देना, ट्रैवल थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो पर्पस कोड में ट्रैवल को आप चूज़ कर लेना, अदर ट्रैवल रिसिप्ट में इसका तुरंत आपका पेमेंट आ जाता है। पेपल मांग रहा है तो भाई पेपल चलो कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, CCA स्टेटमेंट नेम क्या डालना चाह रहे हो? तो मैं क्या डाल दूँ, मैं चलो अभी जयंत श्री वाह श्री भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर बिजनेस URL है यानी आपकी वेबसाइट की URL तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर सबमिट कर दो। ठीक है, अब इससे आपसे ये फर्स्ट नेम पूछेगा तो फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ जयंत, मिडिल नेम कुछ नहीं है, श्रीवास्तव लास्ट नेम हो गया, कंट्री इंडियन, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ मैं, फॉर जून ले लेता हूँ भाई, जून बड़ा अच्छा लगता है, 1990 मान लेता हूँ, पिन कोड 0082 मान लेता हूँ, 11 0082 दिल्ली का पिन कोड है ये, न्यू दिल्ली बुरारी। ठीक है, और रैजना हिल अपने आप आ गया, स्टेट आप दिल्ली मान लो। ठीक है, दिल्ली लग दिया। कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, चलो डालते हैं भाई 07 72 75 313 777। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, आई होप ले ले क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर रजिस्टर्ड है मेरा, ले लिया चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा कि आप क्या सेल करना चाह रहे हो, गुड्स है, सर्विसेज है, अदर्स है या फिर यू आर नॉट सेलिंग येट। तो मेरे हिसाब से आप गुड्स पे नहीं, सर्विसेज पे क्लिक कर लो, सभी करना चाह रहे हैं भाई, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। टेक पेमेंट ऑन योर वेबसाइट और इन ऐप, यस, सेंड इनवॉइस टू और एस्टिमेट। ठीक है, क्रिएट अ लिंक यू कैन यूज़ टू रिक्वेस्ट पेमेंट। ठीक है, तीनों पे क्लिक कर लेना आप, नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत होगी। बाय इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, यस, सब्सक्रिप्शन ऑन रिकरिंग बेसिस दोनों करना चाहते हैं भाई। ठीक है, प्री बिल्ट सॉल्यूशन दैट डज नॉट रिक्वायर कोडिंग, यस। ठीक है, बाकी सब ठीक है, अब कर लेते हैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर लो। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो माइट बी कंप्लीट हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। हाँ, हो गया।
डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया है इसने। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पेपल का डैशबोर्ड है, जिस डैशबोर्ड पे ये पेपल अपनी हरकतें करता है यानी कि ट्रांजेक्शन्स को करता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी तो पड़ेगी। अच्छा वेरिफिकेशन देख लेते हैं, मोबाइल अपडेट ठीक है भाई, बिजनेस टाइप हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी जब आप यूज़ करना शुरू करोगे इसे मे बी एक दो दिन में आपको ऊपर नोटिस आने लगेगी कि अपना KYC कंप्लीट करवाइए। ठीक है, बिना KYC के आप पेमेंट जो, मान लो क्या होता है कि अभी एट प्रेजेंट आप फॉरेन के पैसे ले सकते हो, मतलब डॉलर में जो भी करेंसीज आएगी ना आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन इन इंडिया अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज़ इंडिया में कम्प्लीटली अभी तो बैन नहीं है, लेकिन इंडिया की पेमेंट नहीं ले रहा है वो पेपल ड्यू टू RBI नॉर्म्स इन 2021। सो अभी क्या है, KYC करवा रहा है नहीं करवा रहा है ये तो पता चलेगा जब आप करोगे रजिस्ट्रेशन। बट अगर ऐसा कुछ कहता है तो अब आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड को रख सकते हो। उसके बाद होता है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें फिर से आप आधार कार्ड को या फिर पैन कार्ड को रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो मैंने अभी इंडिविजुअल डाला है, प्रोप्राइटरशिप होगा या फिर कोई और चीज़ों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या फिर आपके शॉप का या फिर किसी भी चीज़ का आपने ओपन किया हुआ उसका जो ऑनरशिप होगा आप उसे देकर वेरीफाई अपने आप को करा सकते हैं। देन ऑनवर्ड आप सेम वे होगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कराओगे तो पेमेंट नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, इंडिया की करेंसी आप नहीं ले पाओगे, बाकी डॉलर आप ले सकते हो, देख रहे हो सामने USD में दिख रहा है। एक्टिविटी में आप जाके जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं आपने वो चेक कर सकते हो। यदि आपको अपने वेबसाइट पे इसे ऐड करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, तो API की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आप जाकर यहाँ पे API की एंड पासवर्ड आप यहाँ से ले सकते हो अपना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट होंगी वो आपको हमेशा मिलती रहेंगी थ्रू आउट योर नोटिफिकेशंस। ठीक है, और फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।